हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह। तो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आज जैन एकेडमी से लाइव हूँ। और जो आज हमारा लाइव सेशन चल रहा है दोस्तों, आरएसी एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, साथ में आप जो हमारा थंबनेल देख रहे हैं, डीएसएसबी आरएसी 2019 पेपर सॉल्यूशन, अर्थात जो हम पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, आज की ये फोर्थ क्लास है। दोस्तों, जो आप लाइव हो, एक बार हमारे इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आरएसी के स्टूडेंट हैं उनको पता लगे, साथ में सबका फायदा हो। तो एक बार आप प्लीज, और कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा लाइव सेशन है उसको आप शेयर कर दीजिए। तो अब दोस्तों, हम हमारा जो क्लास है आज का कंप्लीट, वो स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों हमने 175 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 25 क्वेश्चंस है, वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन का क्या लेवल है वो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं 176 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द रिएक्टेंशन रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन बिकॉज, कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है दोस्तों, जिसमें वन सेकेंड किण्वन, हाँ ये सही है, जो किण्वन अभिक्रिया होती है, किण्वन अभिक्रिया से तात्पर्य होती है जो भी हमारे कीटनाशक जो होते हैं वो कब क्रियाशील होते हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो हम यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, तो देखो, किण्वन अभिक्रिया वाले उत्पादों में प्रशीतन की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे फूड जो सामान्य वातावरण पे क्या होते हैं, उसमें कीटाणु जो भी हमारे एंजाइम होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए रेफ्रिजरेशन आवश्यक क्यों है, क्या किण्वन प्रक्रिया ऊष्मा शोषी नहीं है कि नहीं, किण्वन प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है ये भी नहीं है, जो किण्वन नियंत्रित तापमान पर ही की जाती है। देखो, जो ये किण्वन से तात्पर्य जो भी हमारे कीटनाशक होते हैं दोस्तों, इनको हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे जो खाद्य पदार्थ की वस्तु है उनको खराब नहीं करे। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो भी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो सी होगा, डी आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ये दोनों चीज तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकती, ये दोनों चीज ऑप्शन से बाहर है दोस्तों। राम प्रसाद यादव जी, गवर्नमेंट आईटीआई आमेर, बिल्कुल सर, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 177, जो आप आंसर बताइए इसका, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, और हाल ही में इस टेक्नोलॉजी का जो एयर कंडीशनर आया है वो कौन सी कंपनी पे आया है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप आंसर दीजिए 177 का दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ब्लैंक स्पेस से वहनीय स्तरों के भीतर घेरे गए स्थानों में प्रदूषकों की कम करने और बनाए रखने के तरीके का माध्यम संदर्भित है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो भी हमारी एयर होती है उससे रिलेटेड एक इंडेक्स बनाया गया है,
वो इंडेक्स क्वालिटी को मेंटेन करता है कि अपनी जो एयर कंडीशनिंग रूम होती है उसमें क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी मतलब जो उसमें प्रदूषण होता है उसकी क्लीननेस होती है वो कैसी होनी चाहिए। हाल ही में हिताची कंपनी ने अभी दोस्तों एक जो हमारे इन्वर्टर एसी आते हैं उसमें आप लोगों ने एक डिस्प्ले देखा होगा, डिस्प्ले देखा होगा, वो डिस्प्ले दोस्तों हमारे AQI को डोनेट करते हैं। उसमें तीन लाइट होती है, तो ब्लू लाइट, एक ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट। वो जो रेड लाइट होती है उसका मतलब ये कि आपका जो रूम है उसमें हवा पूर्ण रूप से क्या है, दूषित है। ग्रीन का मतलब बिल्कुल ओके है, ब्लू का मतलब और भी ओके है, बिल्कुल क्लीन है। तो ये हमारे AQI, AQI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है दोस्तों। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर इतना है जो हमारा AQI है ना दोस्तों, इसने इसने उल्टा लिख दिया है IAQ, इंडेक्स एयर क्वालिटी, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आंसर आपका जो होगा ना दोस्तों वो सी होगा। अब बात आती है क्यों, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते। डी आंसर IPS, IPS से अपना कोई संबंध नहीं है, IAS रेफ्रिजरेशन सिस्टम का IAS से कोई संबंध नहीं है, IAF यहाँ पे हम कोई युद्ध जो पुरस्कार होते हैं IAF के वो तो हम करवा नहीं रहे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जो बच रहा है IAQ, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा बच रहा है दोस्तों वो ये बच रहा है। बस फर्क इतना है कि इसको AIQ को ना इन्होंने उल्टा सीधा लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं 178 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोई मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, कमेंट करो। क्वेश्चन है दोस्तों, वातानुकूलन और प्रशीतन में सामान्य संबंध है, अर्थात जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं और जो एयर कंडीशनर होते हैं उनमें सामान्य संबंध क्या है दोस्तों, वो ये पूछना चाह रहा है। इसी को मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा देता हूं दोस्तों। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमन रिलेशन बिटवीन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन इज हीटिंग, फूड प्राइवेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन। तो दोस्तों आप आंसर दीजिए इसका, क्या आंसर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, क्या आपका जो एयर कंडीशनर होता है, जो रेफ्रिजरेशन होता है, क्या हीटिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है जो आपका फूड प्राइव जो हमारे दूषित होते हैं उनको क्या करता है, एक सेकेंड, वातानुकूलन और प्रशीतन में सामान्य संबंध है। तो देखो, संबंध हीटिंग का कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज भोजन परिरक्षण चलो होता है, लेकिन दोनों का संबंध हमें बताना है। तो हम एयर कंडीशनिंग में भोजन को सुरक्षित नहीं रख सकते, जबकि रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नमी बनाने का काम हमारे सिस्टम का नहीं होता है। जो हमारे सिस्टम का काम होता है वो क्या होता है दोस्तों, नमी को हटाना। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वातानुकूलन में शामिल है, मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है उसमें क्या शामिल है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हमें देखना है दोस्तों। तो आप आंसर दीजिए, क्या तापमान नियंत्रण होता है एयर कंडीशनिंग में? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि तापमान को मेंटेन करना है। इसके बाद नमी का नियंत्रण अर्थात ह्यूमिडिटी नियंत्रण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वायु की गति का नियंत्रण, क्या हम जो हमारी वायु की स्पीड होती है उसको भी नियंत्रित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा इसका, क्योंकि ये एयर कंडीशनिंग के बारे में पूछ रहा है क्या क्या काम करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य क्वथनांक जितना उच्च होगा,
मतलब हमारा जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जितना हाई होगा तो एवपोरेशन की ग्राम अणुतापीय धारिता उतनी क्या होगी दोस्तों, हाई होगी भाई, वो भी क्या होगी, हाई होगी। तो अर्थात इसका जो आंसर में देखो कहीं पे भी हाई दिख रहा होगा आपको, तो कहां पे हाई, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी को आप इंग्लिश में देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसा दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन था, हायर द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा साधारण बॉइलिंग पॉइंट होता है, ब्लैंक इस पे इज द मोलर इंथल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, कि जब बॉइलिंग पॉइंट के समय जो इंथल्पी होती है वेपोराइज क्या होगी। देखो क्या टेम्परेचर हाई होगा तो वेपोराइजेशन क्या होगा भाई, वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा। तो लोअर हो सकता है, नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, क्या होगा हमारा, हाई होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है दोस्तों, हर बार रिपीट हुआ था, इसी क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था लास्ट टाइम इसरो के एग्जाम में हुआ था, तो आप आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। ए ब्लैंक स्पेस इज यूज प्राइमरली टू चेक प्रेशर एट द लो एंड हाई साइड ऑफ द कंप्रेसर, जो भी हमारे कंप्रेसर होते हैं उनमें हाई साइड व लो साइड में जो प्रेशर को चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो आप आंसर देके बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो जो भी हमारे कंप्रेसर होता है, पहली चीज तो ये हम सबको पता होता है कि जो भी हम हाई साइड लो साइड कभी भी प्रेशर का चेक करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, तो क्या वो चीज इसमें लिखी हुई है देखते हैं। टेस्ट गेज कोई हमारे सिस्टम में नहीं है तो ये नहीं होगा। इसके बाद आता है हैमर, हैमर तो हमारा ठोकने पीटने वाला औजार होता है दोस्तों, ये तो हमारा चोट मारने वाला औजार, तो प्रेशर को कैसे मापेगा, नहीं हो सकता। रिंच, रिंच के द्वारा तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी सिस्टम कोई भी हमारा इक्विपमेंट होता है, कोई बोल्ट नट को खोलने के लिए हम यूज करेंगे। अब टेस्ट गेज कोई सिस्टम में है नहीं, ठीक है। अब इसी के साथ में आपने ये चीज देख रहे होंगे बोर्डन ट्यूब, देखो बोर्डन ट्यूब क्या होता है दोस्तों, जितने भी हमारे गेज आते हैं चाहे वो कंपाउंड गेज हो चाहे प्रेशर गेज हो, उनके अंदर जो बोर्डन ट्यूब लगी होती है उसी के आधार पे हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रेशर का माप करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो बी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, कई बार पूछा गया है, लेकिन इसमें होता क्या है काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ होती है वो आज हम सब दूर कर देंगे, कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है। हम बोलते हैं कि ये हो सकता है स्विचिंग टूल, हो सकता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन राइट आंसर क्या है वो आप देखो। सबसे पहले तो आप आंसर देने की कोशिश करो, लीक प्रूफ एंड वाइब्रेशन प्रूफ कंप्रेसर फिटिंग यूज, जो भी हमारे कंप्रेसर होते हैं लीक प्रूफ तथा वाइब्रेशन, मतलब जो वाइब्रेशन भी हो ना तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो आप हमें बताइए कंप्रेसर की जब फिटिंग करते हैं वाइब्रेशन और लीक प्रूफ, जो रेफ्रिजरेंट चल रहा है वो बिल्कुल लीक प्रूफ होना चाहिए दोस्तों, तो इसके क्या हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं कंप्रेसर में, बिल्कुल नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन निकल गया, दूसरा ऑप्शन आ रहा नॉन ऑफ दीज, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या सी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, स्विचिंग टूल, अरे स्विचिंग टूल का तो कोई मतलब भी नहीं है कंप्रेसर में, ये भी कट जाएगा। अब बात आ रही है ऑप्शन बी पे, क्या ऑप्शन बी कह रहा है कॉपर ट्यूब, जी हाँ कॉपर ट्यूब हमारा सही आंसर है दोस्तों। वो इसलिए है हमारा सही आंसर क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम कंप्रेसर की फिटिंग करते हैं चाहे वो डिस्चार्ज लाइन हो चाहे सक्शन लाइन हो, उसे हमेशा हम कॉपर ट्यूब के द्वारा ही फिटिंग से जोड़ते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जब उस कॉपर ट्यूब को जोड़ते हैं तो क्या हमारा रेफ्रिजरेंट लीकेज होता है, नहीं होता है, पहले चीज हमारा यहीं पे आंसर मिल गया। दूसरी चीज, जब हमारा कंप्रेसर वाइब्रेशन करता है क्या उस ट्यूब को नुकसान पहुंचता है, ट्यूब को नुकसान नहीं पहुंचता है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, तो आप बताओ एक बार इसका आंसर क्या हो सकता है।
क्वेश्चन है दोस्तों, वेरिएबल स्पीड स्क्रोल कंप्रेसर, अर्थात वेरिएबल स्पीड क्या होती है वो चीज हमें पता होनी चाहिए, कौन से सिस्टम के साथ लागू होती है वो हमें पता होना चाहिए। वेरिएबल स्पीड स्क्रोल कंप्रेसर यूज एन ब्लैंक स्पेस टू कन्वर्ट ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी करंट इनटू वन बीच ऑफ द एडजस्टेबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को देखो, वेरिएबल स्पीड स्क्रोल कंप्रेसर, जो कंप्रेसर है हमारा स्क्रोल कंप्रेसर, उसकी हमने क्या कर रखा है, वेरिएबल स्पीड कर रखा है। और आपको पता होना चाहिए वेरिएबल स्पीड कब होती है, जब या तो हम उस कंप्रेसर की मोटर के साथ में VFD लगाते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्या ऑप्शन में VFD लिखा हुआ है, यदि VFD नहीं है तो ये हमारा आंसर अभी नहीं हो सकता। ठीक है, हम ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या एक्सपांशन ड्राइव हो सकता है, नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीज तो वैसे ही बाहर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ड्राइव, डिस्प्लेसमेंट ड्राइव का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ड्राइव भी नहीं होगा। अब बात आती है इन्वर्टर ड्राइव, इन्वर्टर ड्राइव क्या होती है दोस्तों, वही वेरिएबल टाइप की होती है, ये क्या करती है मोटर को हाई लो मीडियम उसकी वेरिएबल गति में चलाती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो बी होगा दोस्तों इसका। ठीक है, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जो पेपर का लेवल होता है ना, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल डालेंगे, 30 क्वेश्चन थोड़े हार्ड डालेंगे और बाकी के 20 क्वेश्चन तो इतना अपर लेवल का डालेंगे कि उसको काफी सॉल्यूशन करने में काफी दिक्कतें होती है। लेकिन जब आप अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छा सॉल्यूशन करते हो, अच्छे बुक्स पढ़ते हो, तो ये जब चीजें होती है ना, तो ये जो आंकड़ा आ रहा है ना अपना, ये आ जाता है दोस्तों 90 से 95। जब आप 100 में से 90 से 95 की आप कंप्लीट लाने की आप अहमियत रखते हैं, उस स्थिति में हमारा जो सिलेक्शन होता है उसके हम काफी करीब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल है इस पेपर का, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन हर कोई करेगा, 30 क्वेश्चन उस 50 में से भी काफी 30 बच्चे करेंगे, और बाकी के जो 20 होंगे ना, जो ये 20 करने वाले होते हैं दोस्तों, वो ही जीतते हैं। तो इसलिए जो हमें टारगेट रखना है वो कंप्लीट 90 से 95 नंबर हमारे सही होने चाहिए टेक्निकल में दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, द प्रेजेंट डे फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर यूज फ्रोस्ट कन्वेक्शन ऑफ एयर बाय ए फैन बिटवीन। जो हमारा दोस्तों फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है ना, उस आपको पता होना चाहिए उसमें एक फैन लगा होता है। फैन कहाँ लगा होता है, जब भी हमारा एवपोरेटर होता है उसके पास में लगा होता है। जो वो काम क्या करता है वो उसके बारे में पूछना चाह रहा है। अब देखो ऑप्शन को देखो, फ्रीजर कंपार्टमेंट एंड एक्सपांशन वाल्व, क्या जो हमारा फैन होता है फ्रीजर कंपार्टमेंट और एक्सपांशन वाल्व को ठंडी हवा प्रदान करता है, नहीं करता है दोस्तों, गलत करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी हमारा फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है एंड जो एवपोरेटर होता है वहां पे क्या एयर को फ्लो करवाता है, बिल्कुल करवाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखो, सी एवपोरेटर एंड कंडेंसर, क्या जो फैन लगा होता है एवपोरेटर एंड कंडेंसर में काम करता है दोस्तों, एवपोरेटर का कोई कंडेंसर से कोई लिंक नहीं है, डी ऑप्शन होगा नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, जो फ्रीजर कंपार्टमेंट एंड एवपोरेटर होता है उसी कंपार्टमेंट में क्या एयर को सर्कुलेट करवाता है दोस्तों ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में है दोस्तों पेपर, हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करें और ये जो हमारा पेपर है DSSB 2019 का, इसकी PDF आपको टेलीग्राम के लिंक में मिलेगी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों 185 नंबर क्वेश्चन, जो हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन
प्रमुख रेफ्रिजरेंट होते हैं, क्या फ्लेमेबल किसके कारण होते हैं? देखो आप लोगों को पता है हाइड्रोजन काफी ज्वलनशील होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन भी दे रखा है। कार्बन को जलाने के लिए हमें कुछ परिस्थितियां होती है, उस परिस्थिति में हम कार्बन ज्वलनशील होता है। क्या R11 ज्वलनशील होता है? R11 ज्वलनशील नहीं होता है। तो जो हमारा राइट आंसर जा रहा है ना दोस्तों, एच एटम पे जा रहा है, डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन आ गया साथ में R11 आ गए। जब तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन में से एक बाहर है, तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बस क्या है देखो, कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आरएसी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है द मशीन विच जनरेट्स अल्टरनेटिव वोल्टेज। अल्टरनेटिव वोल्टेज से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। कौन करता है? क्या ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज उत्पन्न करता है? नहीं सर, ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज अप डाउन करता है बिना फ्रिक्वेंसी बदले, तो ए तो होगा नहीं। क्या एसी मोटर होती है? वो क्या एसी जनरेट करती है? एसी मोटर तो खुद एसी होती है, जनरेट क्या करेगी? ये भी नहीं होगा। डीसी मोटर से कोई तात्पर्य नहीं है। अब बात आ रही है देखो, किसी भी हमें कोई विद्युत या को ऊर्जा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, वो चाहे हमारा जनरेटर हो चाहे कोई सा भी हो। जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है ना दोस्तों, वो हमारा एसी उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं अल्टरनेटर इन ए एसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। जो हमारा अल्टरनेटर होता है ना दोस्तों, वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, वो इसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो आप बताइए, क्या अल्टरनेटर हमारे थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पे काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स को काटो, ठीक है। क्या हमारा अल्टरनेटर इलेक्ट्रो कपलिंग के सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रो कपलिंग के सिद्धांत पे भी कार्य नहीं करता है, इसको भी काटो। नॉन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि जो अल्टरनेटर होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। जब वो चलते हैं तो क्या अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर एसी धारा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा ना, वो बी होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, इलेक्ट्रो कपलिंग नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीज तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्वायरल केज स्लिप रिंग आर टाइप्स ऑफ। जो हमारे स्क्वायरल केज और जो स्लिप रिंग जो मोटरें होती है, उनको किन भागों में बांटा गया है? क्या वो स्टेटर के आधार पर बांटे गए हैं? क्या वाइंडिंग के आधार पर बांटे गए हैं? क्या रोटर के आधार पर बांटे गए हैं? या फिर टॉर्क के आधार पर बांटे गए हैं दोस्तों? तो आप हमें बताइए किसके आधार पर है वो दोस्तों। देखो जो हमारी मोटरें होती है ना, स्क्वायरल केज एंड स्लिपिंग, दोनों में स्टेटर रोटर आते हैं, वाइंडिंग सब में होती है, तो ये तीनों चीज तो क्या हो गई हमारी? कॉमन हो गई। लेकिन जब आपको ये पता होना चाहिए, जो भी हमारी स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज जो मोटर होती है, इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क, जो रनिंग टॉर्क होता है ना, एक का ज्यादा होता है, एक का कम होता है, तो इसलिए इनको है ना टॉर्क के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। बताइए दोस्तों इसका आंसर, बताइए क्या आंसर हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, क्वेश्चन को आपको एक बार हिंदी में पढ़ा देता हूं मैं, तो उससे क्या सही समझ में आएगा आपको।
प्रेरण मोटर का स्थिर भाग जो तीन चरण के संतुलित घुमाने वाला होता है वह होता है, घूमने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों जो आपको ये पता होना चाहिए, अब घूमने वाला भाग इसमें कौन सा है वो हम देखते हैं इंग्लिश में। देखो, स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर विच कंटेन द बैलेंस थ्री फेज वाइंडिंग। थ्री फेज जो वाइंडिंग होती है इंडक्शन मोटर में वो कहां पे होती है? क्या स्टेटर पे होती है, क्या रोटर पे होती है? दोस्तों जो वाइंडिंग होती है वो कहां पे होगी? इसकी स्टेटर पे होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा। क्या रोटर पे होगी? नहीं होगी। रोटर पे वाइंडिंग कब करते हैं? जब हमें कोई भी जो मोटर होती है उसको हीटिंग को दूर करने के लिए रोटर की वाइंडिंग करते हैं। अब कहां करते हैं रोटर पे? जो भी हमारे फैन आते हैं दोस्तों उस पे रोटर पे वाइंडिंग होती है। साथ में व्हील से कोई तात्पर्य नहीं है, इसके बाद कोर से कोई तात्पर्य नहीं है। अब बात आती है दोस्तों सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग क्या होती है? देखो सुपर हीटिंग होता है मोर सुपर हीटिंग होता है। तो अभी जो बात चल रही है ना दोस्तों सुपर हीटिंग की बात चल रही है, और सुपर हीटिंग में भी वो ये पूछना चाहता है कि इसमें से कौन सा हमारे कंप्रेसर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या सुपर हीटिंग से ऑलवेज इंक्रीज स्पेसिफिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? क्या सुपर हीटिंग से हमेशा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता भैया? सुपर हीटिंग तो हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक होती है, जिसके कारण हमारी सिस्टम की क्षमता भी कम होती है, साथ में सीओपी भी घटता है दोस्तों। तो क्या ऑलवेज डिक्रीज स्पेसिफिक वर्क ऑफ कंप्रेसर? क्या सुपर हीटिंग से जो हमारा कंप्रेसर होता है उसका कार्य कम हो जाता है? ऐसा नहीं है, सुपर हीटिंग से हमारे कंप्रेसर का कार्य हमेशा बढ़ता है। तो हमारा बी आंसर भी नहीं हो सकता। क्या सुपर हीटिंग से ऑलवेज हमेशा इंक्रीज स्पेसिफिक वर्क ऑफ द कंप्रेसर? जो हमारा सुपर हीटिंग से क्या कंप्रेसर का कार्य बढ़ता है? जी बिल्कुल हाँ, सुपर हीटिंग से हमारे कंप्रेसर का कार्य बढ़ता है दोस्तों। डी ऑप्शन कह रहा है ऑलवेज डिक्रीज कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। क्या जब सिस्टम में सुपर हीटिंग होती है तो क्या डिस्चार्ज का कंप्रेसर टेम्परेचर होता है? कि टेम्परेचर से कोई हमें डिस्चार्ज से मतलब नहीं है। अभी जो बात चल रही है वो सुपर हीटिंग की चल रही है, और वो ये पूछना चाहता है कि कंप्रेसर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं 191 जो क्वेश्चन है, प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ट्रांसफर इन सक्शन लाइन। यदि आपके सक्शन लाइन में प्रेशर कम होता है तो उस स्थिति के अंदर जो हमारी हीट ट्रांसफर रेट क्या होती है दोस्तों, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो आप ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो एंड चार्जिंग टेम्परेचर। जब हमारा सक्शन प्रेशर कम होगा तो क्या डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो एंड डिस्चार्ज प्रेशर? तो ये तो नहीं हो सकता दोस्तों, ये नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो दोस्तों बढ़ेगा, प्रेशर ड्रॉप जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो प्रेशर ड्रॉप की बात चल रही है हीट ट्रांसफर रेट इन सक्शन लाइन, जब सक्शन लाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है तो डिस्चार्ज कंप्रेशन रेशियो एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, नहीं होता। ठीक है भाई, सक्शन प्रेशर घट रहा है तो जाहिर सी बात है कि डिस्चार्ज कंप्रेशन रेशियो तो ये गलत है। इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमारा सक्शन प्रेशर कम होता है दोस्तों उस स्थिति में कंप्रेसर का जो कार्य की होता है वो कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, सिस्टम पे भार पड़ता है और डिस्चार्ज टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाता है। डिक्रीज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेटर सक्शन, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, पहला तो वैसे ही गलत है, डी ऑप्शन इसका हो नहीं सकता। तो आप जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन काफी अच्छा है, बाकी इतना शॉर्ट दिया है कि उसको समझने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप मुझे आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या है।
बीआरआरएसी मैकेनिक कह रहे हैं कि एनपीआईसीएल तारापुर का एडमिट कार्ड कब आएगा। दोस्तों एडमिट कार्ड आने वाला है, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, जो आपका नॉन टेक का जो पार्ट है वो भी अच्छा रखें, साथ में टेक्निकल भी अच्छा रखें, क्योंकि एग्जाम बस लगने ही वाले हैं और जैसे ही आएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, तो जो भी जॉब से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जो वैकेंसी आती है, उन सब के बारे में हम सटीक जानकारी देते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन था, फॉर एन आइडियल रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट मिक्सर, जो हमारा आइडियल रेफ्रिजरेंट होता है एब्जॉर्बेंट मिक्सर क्या क्या होता है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो उसके बारे में पूछना चाह रहा है दोस्तों। क्या देयर इज एक्सपेंशन अपॉन मिक्सिंग? बिल्कुल नहीं हो सकता। द मिक्सिंग प्रोसेस इज एक्सपेंडोमेट्रिक? नहीं होगा। द मिक्सिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक? नहीं होगा। एक बार दोस्तों आप इसको जब हिंदी में पढ़ लो। अब बात आती है, देखो, एक आदर्श प्रशीतक अवशोषक मिश्रण के लिए मिलाने पर विस्तार होता है? नहीं होता है दोस्तों। भाई मिलाने पर उसका कोई विस्तार होगा, कोई डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। अब बात आती है, मिश्रण प्रक्रिया उष्मासर्जी है? मिश्रण प्रक्रिया से कोई उष्मासर्जी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है, मिश्रण प्रक्रिया उष्मासोषी होती है? जब कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेंट होते हैं, क्या उष्मासोषी होते हैं? क्या उष्मासोषी नहीं होते हैं दोस्तों। अब बात आती है, द्रव अवस्था में रोबोल्ट का नियम लागू होता है और वाष्प अवस्था में डोल्टन का नियम लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो इसी बेस पे होता है कि जो हमारा डोल्टन का नियम होता है वो क्या होता है, आंशिक दाबों के योग से, जो आंशिक दाबों का जो वाष्प का योग होता है, हमारा डोल्टन का नियम होता है दोस्तों। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि कौन से नियम में क्या लगता है। द्रव अवस्था में रोवोल्ट का नियम लागू होता है और वेपर अवस्था में हमारे डोल्टन का नियम लागू होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, इसका डी आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य की बात बतानी है, देखिए बताइए आप क्या सत्य हो सकता है इसमें से। जल लिथियम ब्रोमाइड प्रणाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही केवल प्रशीतन उपयोग में उपयुक्त होते हैं, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं, उसका उपयोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के लिए ही हम काम में लेते हैं। क्या इसकी बात सत्य है? पर मेरे हिसाब से तो इसकी बात सत्य है, क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये आता है कि जब इस सिस्टम का उपयोग करते हैं वहां पे करते हैं जहां से हमें 0 डिग्री से प्लस में मतलब टेम्परेचर की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब ऑप्शन है बी, अमोनिया जल प्रणाली 0 डिग्री से नीचे ही केवल प्रशीतन अनुप्रयोग हेतु प्रयोग होती है। ऐसा नहीं है, अमोनिया का उपयोग हम काफी जगह करते हैं, इसका कहने का मतलब एयर कंडीशनिंग के पर्पज से नहीं होगा। छोटी अमोनिया जल प्रणालियां घरेलू परिस्थितियों में उपयुक्त होती है। देखो आपको पता है डोमेस्टिक में हम कोई भी अमोनिया का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये दो ऑप्शन तो दोस्तों कट गए, उपयुक्त सभी होगा नहीं। तो जो अभी राइट आंसर है ना दोस्तों, उसका राइट आंसर यही होगा, जो सत्य है, जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो 0 डिग्री से अधिक पे ही काम करता है। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हमारा आज का 194 का क्वेश्चन, हर्मेटिक जो कंप्रेसर होते हैं छोटी प्रणालियों में उपयोग क्यों करते हैं, क्या कारण था? हम जब प्राचीन समय की बात करें तो कंप्रेसर काफी बड़े थे, ठीक है, फिर धीरे 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 इतना अपडेट हुआ कि आज के जो कंप्रेसर देखते हैं काफी छोटे आ गए। क्या लाभ है? अब आप देख रहे हैं कि जो हर्मेटिक कंप्रेसर प्रयुक्त छोटी प्रणालियों में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों? क्या उनका सीओपी हाई होता है क्या? हमें देखो सीओपी से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब होता है ना उसके रिजल्ट से मतलब होता है दोस्तों। अब रिजल्ट इसमें कहाँ पे आ रहा है वो आप देखो, क्या सीओपी उच्च बनाते हैं? सीओपी से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि देखो सिस्टम आप चाहे 1 लाख रुपए का लिया हो, लेकिन वो सिस्टम हर 5 दिन में खराब हो रहा है, तो आप उस सिस्टम की सीओपी का क्या करोगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि बार बार सर्विसिंग नहीं करते हैं। अब देखो ये अच्छी चीज है, ओपन टाइप जो भी कंप्रेसर होते हैं उनकी हमें बार बार सर्विसिंग करनी पड़ती है, और जो भी हमारे सील्ड टाइप कंप्रेसर होते हैं दोस्तों उनकी कोई सर्विसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है।
तीस सी ऑप्शन देखो, किसी भी रेफ्रिजरेंट को प्रयोग करने की छूट देते हैं, ऐसा नहीं है आप किसी भी कंप्रेसर के साथ में, ऐसा नहीं है कि आप उस रेफ्रिजरेंट का यूज कर सकते हो। देखो जो कंप्रेसर है जो रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग ही हम उपयोग में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो हमारी पहले के टाइम में R11 यूज होती थी उसको आपने मतलब सिल्ली टाइप रेसिप्रोकेटिंग में डाल दिया, आज के जो हमारे R134 है के सिलेंडर आते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपने R600 डाल दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आता है दोस्तों, भिन्न भार स्थितियों में कुशलता से प्रयोग किए जाते हैं। भाई कुशलता वाली बात तो कोई इंसान के लिए होती है, मशीनों में ऐसी कोई बात नहीं है, भार वार का सिस्टम नहीं है। जो सबसे बड़ी बात होती है ना दोस्तों, जो छोटा सिस्टम बनाने का फायदा था वो एक तो वो था कि लीकेज की संभावना को दूर करना, दूसरी बात होती है जो बार बार सर्विसिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करना। तो जो ऑप्शन हमारे भी जो यही कह रहा है कि उन्हें बार बार सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं होती। किसको नहीं होती? जो भी हमारे हर्मेटिक कंप्रेसर आते हैं। अब हर्मेटिक कंप्रेसर क्या है उसके लिए आपको पूरा कंप्रेसर पढ़ना पड़ता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंप्रेसर को सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, किस कंप्रेसर को सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप बताइए कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य। अब देखो बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना दोस्तों ये हमारे डक्ट के बारे में पूछ रहा है। अब डक्ट के बारे में क्वेश्चन है तो हमें पता होना चाहिए डक्ट में कौन कौन से प्रेशर लागू होते हैं, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो आदर्श परिस्थिति में एक जो एयर कंडीशनिंग की जो नली से तात्पर्य डक्ट में स्थिर दाब नियत रहता है, क्या ये फिक्स है? क्या जो आपकी डक्ट होगी उसमें जो स्थिर दाब है वो क्या फिक्स रहेगा? ये कोई पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है बी, आदर्श परिस्थिति में एक वातानुकूलन नली में कुल दाब नियत रहता है, ऐसा नहीं है, हमारा जो डक्ट का प्रेशर है वो कम ज्यादा होता रहता है। अब तीसरी बात आती है, ए ऑप्शन गलत हुआ, बी ऑप्शन गलत हुआ, ऑप्शन आता है सी, एक एयर कंडीशनिंग डक्ट में एक पंखे की आवश्यकता स्थिर दाब हानि को ठीक करने के लिए होती है। दोस्तों जो भी हमारी डक्ट होती है उसमें हवा का जो हमने वेग कर रखा है वो फिक्स नहीं है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं उसके लिए एक पंखे का यूज करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर आ रहा है ना दोस्तों वो सी होगा, डी आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें वहां पे नियत नहीं होती है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, पंखे का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंटरकूलर को, अब बात आती है इंटरकूलर, ये इंटरकूलर कहाँ होता है, कहाँ उपयोग करते हैं? जब हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन का यूज करते हैं दोस्तों तो एक हाई साइड का कंप्रेसर होता है, एक लो साइड का कंप्रेसर होता है, उन दोनों को जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक इंटरकूलर का उपयोग करते हैं। अब इंटरकूलर का काम क्या होता है, अब आप देखो कि इंटरकूलर को छोड़ने वाले रेफ्रिजरेंट का तापमान जब रेफ्रिजरेंट के सक्शन तापमान से अधिक हो जाता है तो इंटरकूलिंग कहा जाती है, अर्थात ये कोई भी हमारा कंप्रेसर है, ठीक है, ये हमने कोई इंटरकूलिंग लगाया, ये हमारा हाई प्रेशर का कंप्रेसर है, यहां से जैसे जाएगा ये, ठीक है, जब इसका जो सक्शन होगा, ठीक है, इसका तापमान जो आना चाहिए वो अधिक है, तो इसका मतलब हमारा इंटरकूलर वर्क नहीं कर रहा दोस्तों, तो इसे इंटरकूलर वर्क नहीं कर रहा, तो इंटरकूलर कहां है लिखा हुआ, कहां पे है? क्या पूर्ण इंटरकूलर, क्या प्रॉपर इंटरकूलर था? नहीं था। क्या सटीक इंटरकूलर? नहीं था। दोषपूर्ण इंटरकूलर बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट गया था इंटरकूलर के माध्यम से, उस रेफ्रिजरेंट को उसने ठंडा नहीं किया, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, जिसके कारण जो हमारा हाई प्रेशर वाला जो कंप्रेसर था
उसके जब सक्शन में हमने टेम्परेचर को चेक किया तो उसमें क्या था दोस्तों, टेम्परेचर कोई परिवर्तन नहीं था, जबकि हाई था। हाई की स्थिति में इंटरकूलर का क्या होता है दोस्तों, हमारा दोष होता है, इंटरकूलर खराब हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करो। यदि आपको एक क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी देख लो, बाकी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाईएस्ट टेम्परेचर एंटर्ड इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल शुड बी, जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, बिल्कुल अधिक तापमान होता है, वो किससे नीचे होना चाहिए, वो इसके बराबर पूछ रहा है कि आप इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आप सही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन है नियर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के मध्य होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखो क्रिटिकल तापमान वह तापमान होता है जिसके ऊपर किसी भी गैस को हम लिक्विडिफाई नहीं कर सकते, किसी भी गैस को लिक्विडिफाई करना होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर से हमें थोड़ा कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अब बात आती है ए क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सिस्टम में हम जो टेम्परेचर रखेंगे वो मच बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। समझ में आई बात, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्वेक्शन रेफ्रिजरेटर्स यूज, जो हमारे कन्वेक्शन रेफ्रिजरेटर होते हैं ना उसमें कौन सा एवपोरेटर हम यूज करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। अब आप देखो क्या नॉन ऑफ दी होगा, नहीं ओपन टाइप एवपोरेटर कभी सुना आपने, आज तक नहीं सुना भाई, ओपन टाइप तो हमारा कंप्रेसर होता है, बाउंडेड एवपोरेटर हमारे कुछ भी नहीं होते, वो बेंटेड लोड एवपोरेटर होते हैं दोस्तों। अब जो एवपोरेटर बच रहा है ना वो ड्राई एवपोरेटर बच रहा है, तो ड्राई एवपोरेटर हम क्या करते हैं, जो भी चॉकलेट वगैरह होती है ना दोस्तों उसमें हम ड्राई एवपोरेटर का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 199 का क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस उष्मा स्थानांतरण के आवधन की एक विधि है, अर्थात जो उष्मा स्थानांतरण की जो विधि होती है क्या क्या होती है, पुनः परिचालन, जब हम उष्मा स्थानांतरण करते हैं तो क्या पुनः परिचालन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, साथ में बाह्य फिंच की भी हमें आवश्यकता होती है, पृष्ठों को चिकना करना, जो उसके पृष्ठ होते हैं फिंच होती है चिकनी रहनी चाहिए, धूल मिट्टी विट्टी नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। अब बात आती है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, लास्ट टाइम में केपीएससी में पूछा था, जो भी अपने केरला में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी उसमें, तो इसका जो राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस वातानुकूलन का पिता कहा जाता है, अर्थात एयर कंडीशनिंग का पिता किसे कहा जाता है, क्या इलेक्जेंडर ट्विंस को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता दोस्तों, क्या लियोनार्डो द विंसी को कहा जाता है, नहीं कहा जाता, क्या रोबर्टसन बुचनैन को कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता। अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है दोस्तों डब्ल्यू एच कैरियर, तो डब्ल्यू एच कैरियर ने सन 1902 में, कौन से सन में, 1902 में विंडो एसी का आविष्कार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो जो ये राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी होगा, जैसा आप देख रहे हैं जो राइट आंसर इसका डी होगा। बाकी आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे दोस्तों वो यहीं पे समाप्त होते हैं, जो नेक्स्ट हमारी लाइव क्लासेस रहेगी उसमें जो भी हमारे रेलवे की वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में उसके जो एग्जाम्स हुए थे, उस एग्जाम में हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का भी एग्जाम हुआ था, सॉरी हम उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि रेलवे के अकॉर्डिंग देखते हुए हमें कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आपका कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट
कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको, जो लास्ट टाइम कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो आज मैं आपको पेपर पे बता देता हूँ। DSSB जब 2019 में एग्जाम लगा था, 20 में रिजल्ट आया था इसका, इसकी क्या कट ऑफ गई थी? तो दोस्तों जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी ना, वो 90 के समथिंग थी, OBC की कुछ 85 के समथिंग थी, और ST की कुछ 70+ थी। तो ये इसका फाइनल कट ऑफ था कि जो अब की बार जो कट ऑफ जाएगी, ये फैक्ट है, कम से कम 90+, अर्थात 90 से 95 के समथिंग कट ऑफ जाएगी जनरल की। पहले पोस्टें 12 के समथिंग थी, अब पोस्टें काफी कम है, ठीक है। बाकी जनरल में तो अब की बार 5 ही पोस्टें काउंट होगी, तो 5 के हिसाब से जो पोस्टें होंगी, जो कट ऑफ जाएगी वो 90 से 95% कट ऑफ जाएगी दोस्तों, ठीक है, जैसा आप ये कंप्लीट देख रहे हैं। दूसरी बात ये और थी कि जब लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी, उसमें जो हमारे डिप्लोमा होल्डर होते हैं, पॉलिटेक्निक बीटेक होल्डर, उन्होंने जो ITI की जो पोस्टें थी उस पर काफी कब्जा किया था। कब्जे से तात्पर्य ये है कि जो पोस्टें थी, अब सबका पॉलिसी होता है कि बीटेक वाला भी कूद जाता है, सब कूद जाते हैं, उस स्थिति में जो कट ऑफ था वो काफी हाई गया था दोस्तों। तो और कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों बताइए। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी हमारी नेक्स्ट लाइव सेशन रहेगा, उसमें कंप्लीट रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन करवाएंगे, जैसे जैसे धीरे जो भी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे अभी ALP का चल रहा है तो काफी अच्छा है। ऑल इंडिया ज्यादा नहीं है, कम से कम 800 से 1000 पोस्ट अपने रेफ्रिजरेशन की आती है। मैं एक आपको पर्सनल वीडियो बना के दूंगा, उसमें लास्ट टाइम कहाँ वैकेंसी था, सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे था RAC का, ठीक है, साथ में कितना कट ऑफ गया, अब जो ये साल है ये कितना कट ऑफ जा सकता है, उन सब चीज के बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे जो भी हमारा लाइव सेशन होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।